हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर उसके बाद में आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जो थर्ड वन है वो मिक्स इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब किसी देश के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का कंट्रोल एंड ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में होता है, तो उसे अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी देश के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का कंट्रोल और ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में होता है, तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं ये डिसीजन करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है और प्रोडक्शन किसके लिए करना है। तो सीधी सी बात है, जब ये डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे तो वो उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो इकोनॉमी है यूएसए में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब किसी देश के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का कंट्रोल और ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास में होता है, यानी गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन किसके लिए करना है। जब गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेगी तो उनका जो मोटिव होगा वो होगा सोशल वेलफेयर करना, यानी ऐसी इकोनॉमी पाई जाती है चाइना में। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें किसी देश के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का कंट्रोल और ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास में होता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर ये डिसीजन करते हैं कि उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन किसके लिए करना है। यानी इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन करते हैं। यानी कुछ सेक्टर में तो प्रॉफिट को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाता है और कुछ में सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी अपने इंडिया में ही पाई जाती है। तो आइए अब अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का। फर्स्ट पॉइंट जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें फर्स्ट है इट इज अ फ्री इकोनॉमी बिकॉज प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक ऑल द डिसीजन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर डिसीजन लेने में बिल्कुल फ्री होते हैं, यानी उनका ही पूरा कंट्रोल होता है। वो जो चाहे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो चाहे वो टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं और जैसा गुड बनाना है वैसा गुड्स बना सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखिएगा प्रॉफिट मोटिव। इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सब प्रॉफिट को ही ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करते हैं, यानी जिस भी गुड्स में इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है वही गुड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, और जो टेक्निक इन्हें कम कॉस्ट देती है उसी टेक्निक को ये अडॉप्ट करते हैं। थर्ड देखिएगा देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ऐसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। फोर्थ देखिएगा कंपटीशन इज मेन फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का जो कंपटीशन है वो मेन फीचर होता है, यानी इस इकोनॉमी में जो कंपटीशन ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वो सब कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन करने वाली फर्म होती है उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है और ये सब कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन करते हैं। इससे जो गुड्स की क्वालिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन जो क्लास स्ट्रगल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमीर तो अमीर होता जाएगा और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, यानी इसे मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोला जा सकता है। सिक्स देखिएगा, यानी इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक यूएसए, जापान एंड जर्मनी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल। इन देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं इकोनॉमी के सेकंड टाइप पे, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी इस इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और जो भी टेक्निक अडॉप्ट करनी है और जैसा भी प्रोड्यूस करना है ये सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इवन गुड्स की प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। सेकंड पॉइंट देखिएगा सोशल वेलफेयर, यानी इस इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन से रेलेवेंट वर्क होता है वो सब गवर्नमेंट के डायरेक्शन में होता है,
तो गवर्नमेंट ये सब सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही करती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट इज़ नॉट फ्री इकोनॉमी, यानी ये फ्री इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से जो चाहे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और जो चाहे वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अर्थात जो भी करना है उसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस या अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है। फोर देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नॉन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी इसके एग्जांपल है, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है, वह है चाइना। हाँ तो ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का लास्ट टाइप है, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। इसमें फर्स्ट है, बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर आर को एग्जिस्ट टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर, यानी इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट होते हैं। प्राइवेट का जो मोटिव होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है और जो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया प्राइवेट और इसका जो मोटिव होगा वो कैसा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, यानी प्रॉफिट कमाना होगा। और जबकि बात करें गवर्नमेंट में तो वो हो जाएगा रेलवे, तो रेलवे का जो मोटिव होगा तो वो कैसा होगा, यानी गवर्नमेंट के अंडर में है तो वो होगा सोशल वेलफेयर करना। इसीलिए जो रेल की जो जर्नी होती है वो थोड़ी सस्ती होती है एज कंपेयर टू रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो इंडिया है, यानी ऐसी इकोनॉमी इंडिया में देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हमने इकोनॉमी के तीनों टाइप को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।